डिंपल कपाड़िया अपने जमाने की नामचीन एक्ट्रेस रही, लेकिन क्या आप जानते हैं डिंपल की दो और बहनें भी थी जो उन्हीं की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई, लेकिन उनकी तरह अपनी एक्टिंग का जलवा नहीं बिखेर पाई। डिंपल की ये दोनों बहनें अब इस दुनिया में नहीं है। ये है डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया। ये बात और है कि डिंपल की तरह सिंपल फिल्मी दुनिया में नाम नहीं कमा सकी, और डिंपल ने फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर के साथ डेब्यू करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। वहीं सिंपल की फिल्में वैसी नहीं चल सकी और बहुत जल्दी उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था। सिंपल ने बॉलीवुड में कदम अपने जीजा राजेश खन्ना के साथ रखा था। उनकी डेब्यू फिल्म का नाम था अनुरोध, जो साल 1977 में रिलीज हुई थी। इसके बाद सिंपल ने कई फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल्स में काम किया, जिनमें जमाने को दिखाना, लूटमार, दूल्हा बिकता है और जीवनधारा जैसी कई फिल्में हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में सिंपल कपाड़िया बॉलीवुड में आ गई थी। 15 अगस्त 1958 को पैदा हुई सिंपल अपनी बहन डिंपल से काफी मिलती जुलती दिखाई देती हैं। सिंपल ने ना सिर्फ राजेश खन्ना बल्कि जितेंद्र के साथ शाका और चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1986 में उनकी आखिरी फिल्म आई और उसके बाद उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करना शुरू कर दिया। सिंपल ने साल 1987 में सबसे पहले विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया की फिल्म इंसाफ के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। उसके बाद दर्जनों फिल्मों के लिए उन्होंने काम किया। बरसात, चाची 420, अजूबा, इंडियन, प्यार जिंदगी है जैसी कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम उन्होंने ही डिजाइन किए। खास बात यह है कि फिल्म रुदाली के कॉस्ट्यूम के लिए उन्हें नेशनल फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। सिंपल से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। जब वो हिंदी फिल्मों के विलन रंजीत की दीवानी हो गई थी, सिंपल रंजीत की हर एक अदा पर फिदा थी। उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनका हर एक अंदाज सिंपल को क्रेजी बना देता था, लेकिन ये बात सिंपल के जीजा यानी कि राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। राजेश खन्ना काफी वक्त तक इस गुबार को अंदर दबाए रहे, लेकिन सिंपल और रंजीत के अफेयर के चर्चे उनके गुस्से को हवा देते रहते थे। जानकारों की माने तो राजेश खन्ना इस वजह से सिंपल से खूब नाराज थे और उन्हें डांटा भी करते थे, लेकिन सिंपल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला था। फिल्म छैला बाबू की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश खन्ना और रंजीत के बीच खूब तलखी देखने को मिली। दोनों के बीच खूब बहस भी हुई। इतना ही नहीं, राजेश रंजीत को मारने तक दौड़ पड़े थे। फिर वक्त के साथ सिंपल और रंजीत के अफेयर के चर्चे भी बंद हो गए। साल 2006 में सिंपल कपाड़िया को कैंसर होने की बात सामने आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 साल तक इलाज के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका और 10 नवंबर 2009 को अंधेरी के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनके बेटे करण कपाड़िया भी फिल्मी जगत में सक्रिय है। फिल्म ब्लैक से उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2019 में डेब्यू किया था। आपको बता दें कि डिंपल की एक और बहन थी जिनका नाम था रिम कपाड़िया। बेटी कपाड़िया और चुन्नी कपाड़िया की तीसरी बेटी रिम कपाड़िया ने भी अपनी दोनों बहनों की तरह एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा। उन्होंने 1985 में राकेश रोशन की फिल्म हवेली से अपना करियर शुरू किया था। दूसरी फिल्म उन्होंने वीरेंद्र शर्मा की नाच समझ साइन की। इस फिल्म के हीरो ललित अरोड़ा थे और नाना पाटेकर इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे थे। फिल्म की 10 रील की शूटिंग होने के बाद रिम कपाड़िया ने आत्महत्या कर ली थी और फिर फिल्म बंद हो गई थी। रिम कपाड़िया की आत्महत्या के बाद वीरेंद्र शर्मा ने उनकी जगह सहीला चड्ढा को लेकर फिर से फिल्म शुरू की और फिर साल 1986 में वो फिल्म रिलीज हुई। रिम कपाड़िया ने आत्महत्या क्यों की आज तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई। बताया यही जाता है कि रिम उन दिनों नींद की गोलियों का सेवन किया करती थी और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन नींद की गोलियों का सेवन रिम ने हाथ आई फिल्म लावा से निकाल दिए जाने के बाद ही शुरू किया था। डिंपल कपाड़िया अपनी बहन रिम कपाड़िया की फिल्म लावा में कैसे आई, ये पहली अभी तक अनसुलझी है। बताया यही जाता है कि फिल्म लावा के लिए रिम ने ऑडिशन दिया था और वो फाइनल भी हो गई थी। 1985 में रिलीज हुई इस फिल्म में आशा पारेख, राज बब्बर और राजीव कपूर नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।